आए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर में लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चाचा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नाम मर्दांगी भूस दिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले कारनामों को खत्म करना चाहती थी, क्या हुआ? सब साले मुर्दे जिंदाला से किसे जगाती हो? मैं जान गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ तो कौन है। यह हमारा पड़ोसी मुल्क अपने घर में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देख सकते, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, सब बिल्कुल ना मरते हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं टिमका। एक थाली को तोड़ना बहुत आसान है पर लकड़ी के पट्टों को तोड़ना मुश्किल है, बचपन में पढ़ा था मैंने स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, क्यों समझा रहा हूँ? तुम्हारी नाम मर्दांगी भूल दी थी। उस कुत्ते के बच्चे को ना 10 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। वैंचू अपने बाप से मंगा ले रहा है वैंचू, ऐसी कैसी हिम्मत हो गई वैंचू, बोल के दिखाया एक बार वैंचू, सही कर दूंगा वैंचू 2 मिनट में। यार लड़ाई करके क्या होगा, उसमें और तेरे में कोई फर्क रह जाएगा? ऐसे कैसे बोल देगा वैंचू, उसी के घर में घुस के मारूंगा वैंचू। हेलो, हाय बेबी, कैसी हो? बस अच्छी हो, मौसम नहीं हो, क्या कर रही हो? ओ कितनी क्यूट लगती हो खाना खाते हुए, क्या बात कर रही हो? सच में आज हमें 20 डेज पूरे हो गए। वाह, OMG, I can't believe that baby. पता है कल मैं रात को टाइटैनिक देख रहा था और मैंने तुम्हें इतना मिस किया। अच्छा जी, मेरा फेवरेट सीन जब गाड़ी हिल रही होती है। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। चना। मेरा फेवरेट सीन था जब एंड में जैक डूब जाता है, अगर मैं डूब गया तो तुम मुझे बचाओगी? अरे घंटा बाबा जी का, यही डुबाएगी बेटा, चुप हो जा। नहीं नहीं बेबी, मैंने बोला ना यार नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ हूँ, आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड ना भैया, ऑटो ठीक हो गया क्या? हाँ जी भैया ठीक हो गया। तो चलो ना, 200 रुपए लगेंगे, 200 मैं देता हूँ, अभी चाहिए अभी, पहले चलो तो। हाँ बेबी आवाज आई। धीरे चला ले माइकल शूमाकर, कम ऑन। I love you 3, I love you 5, नो I love you infinity, मुझे बोलना था। अच्छा बाय। अबे तू इससे ऐसे बात करता है? तो क्या हो गया वैंचू? भाई हमसे भी कर लिया कर कभी, मुंह में लेगा। बेटा अभी जा मत, अभी टीटू यहीं पे है, मैं आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं और ना बोलूंगा, जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा।
बेटा ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह के मत बैठ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर। वैसे मैं बार बार बोलता नहीं, फालतू की मगजमारी में करता नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मौका है, और मौका और करारा नोट 100 का बहुत कम लोगों को मिलता है, तो सब्सक्राइब कर। क्या कर और बुद्धि। समीर क्या चल रहा है आजकल? फैक्स फैक्स की दुकान कहाँ पे है? अबे बोला तो ये सर को फॉर बोलता है बैंच। दिन रात फैक्स। ओह यस, आई एम लविंग इट। पापा क्या करते हैं? फक शक। सर को फॉर बोलता है ना बैंच। पापा दिन रात फक करते हैं, पड़ोसी भी परेशान है, पूरा दिन फक करते रहते हैं। घर लेता हूँ तो फक, जल्दी उठ जाऊँ तो फक, पार्टी करके आऊ तो फक, लेट जाऊ तो फक, थकने बैठू तो फक। थक क्या बात है, क्या बात है, आज तो दोनों डेट पे जाके आए हो। मम्मी क्या हुआ? तेरे पापा मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे। अरे अच्छी बात है ना, दोनों ने साथ में वक्त बिता लिया थोड़ा सा। क्या अच्छी बात है, इतना घटिया सिनेमा हॉल था। कहाँ पे? इधर ही बगल में जो है चंदू सिनेमा हॉल। चंदू सिनेमा हॉल में? अरे वहाँ तो 10-10 रुपए की टिकट मिलती है यार। सुना तुमने? पता नहीं कौन कौन आए हुए थे, सारे रिक्शा वाले झाड़ू पोछा मारने वाले आए थे वहाँ। वो सारे बनियान में थे और ये इकलौते शर्ट में बैठे थे। इतना अजीब लग रहा था। आपको कोई दूसरी जगह नहीं मिली ले जाने के लिए? वहाँ ले गए। पता नहीं कौन सी गंदी फिल्म दिखाने ले गए थे। कौन सी फिल्म देख के आए हो? पति फौज में पत्नी मौज में। पति फौज में पत्नी मौज में। अरे ये क्या है? अरे वो एक फौजी की कहानी है, वो बाहर जाता है तो है? इतनी सारी फिल्मों में से बस वही मूवी मिली थी देखने के लिए, और मम्मी को क्यों ले गए? अरे तूने तो कहा था उस दिन फौजी की कहानी है, तो उस दिन हम सब्जी लेके निकल रहे थे वहाँ से, तो मैंने उसका पोस्टर देखा, तो मैंने सोच लिया कि दिखाऊंगा इसको एक दिन वो फिल्म, उसी बहाने मैं भी देख लूंगा। एक और फिल्म लगी थी लेकिन वो बहुत अश्लील थी, तेरी माँ को कैसे दिखाता मैं? कौन सी? तोहार चुम्मा विटामिन ए। तोहार चुम्मा विटामिन ए। अब ऐसी फिल्म दिखाओ तेरी माँ को, देखोगी तुम तो हर चुम्मा विटामिन ए। अरे यार ऐसे थिएटर में जाने की क्या जरूरत थी, दुनिया भर के मॉल है, एक वही जगह मिली थी जाने के लिए। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई मेरे पैर के ऊपर से इतना बड़ा चूहा निकला, मैं तो वहाँ से भाग गई, और मेरे पीछे पीछे ये भी आ गए। तो फिर आप लोगों ने मूवी देखी नहीं? कहाँ देखी, नहीं देखी, अच्छा हुआ नहीं देखी। चल अब जो हो गया हो गया, मुझे वो फौजी वाली फिल्म तेरे कंप्यूटर पे देखनी है अभी के अभी। वो मैंने डिलीट कर दी, उस दिन बताया था ना आपको उसमें वायरस था, मैंने हटा दी। ऐसे कैसे वायरस आ जाएगा, मैं भी देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैंने हटा दी पापा, मैंने हटा दी, बचाओ। पहले हमने सारे बच्चों से एक फॉर्म भरवाया, उस फॉर्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया, अब सेक्स के आगे आप और मैं मेल या फीमेल लिखेंगे। इसने भी मेल लिखना चाहिए था, इसने सेक्स के आगे लिखा है करवा दो। करवा दो क्या? करवा दो। आजकल थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, काफी दिनों से मौसम भी ऐसा है, तो अब क्या करूं, मैं मेरी पत्नी हम सब हॉर्नी फील करते रहते हैं बीच बीच में, तो उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल वैसा हो गया हो कि पढ़ ना पाया हो, वरना लड़का होनहार है मेरा, मैं आपको लिख के देता हूँ।
बच्चा मैं आ रहा हूँ आज एम के सी माकी चू। अंकल के सामने तो बेंचो मत बोल। माकी चू बेटे, हमारी पूरी फैमिली पोकेमोन फैमिली है। इसकी मम्मी को पसंद था राइचू, इसको पिकाचू, मेरे को माकी चू। हेलो लीजा, याद करूँगी वाले यार, कहाँ पे? गुड़गांव। शाम को कहाँ पे? गुड़गांव। ओके जे माकी चू। ये कौन सी लैंग्वेज थी बेटा? ये सीक्रेट लैंग्वेज थी, शाम को गुड़गांव जाना।